4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। चंपावत पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को 4 किलो 320 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चरस को ऊंचे दाम में बेचने के लिए नेपाल ले जाने की फिराक में था। गिरफ्तारी चंपावत के नारियल गांव क्षेत्र से हुई। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एसओजी ADTF, ANTF और पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए चंपावत के नारियल गांव क्षेत्र के पास से जगदीश सिंह सामंत वर्तमान निवासी खुनाड़ी धामीसोन कोतवाली चंपावत जो कि मूल रूप से नेपाल के ब्रह्मदेल जिला महेंद्र नगर का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी के पास से कुल 4 किलो 320 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ कोतवाली चंपावत में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आपकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये ध्येय है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उसी के क्रम में हमारे जनपद में ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत में आज ANTF और हमारे चंपावत पुलिस ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 किलो 300 ग्राम से अधिक मात्रा में चरस बरामद की गई है। ये जो मुलजिम है ये मुख्य रूप से अभियुक्त जो है मुख्य रूप से नेपाल का रहने वाला है, नेपाल का मूल निवासी जो कि यहाँ पर चंपावत में जनपद में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है। क्योंकि पुलिस ने ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है तो इसमें मेरी तरफ से इसमें 5 साल की भी घोषणा की जा रही है। इसका जो पुरानी क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो इसका हमारे अगर खंगाला जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो इसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन हो सकता है नेपाल ही कहीं और हो तो इसकी हम जानते हैं।